रामगढ़ उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी आज नामांकन करने वाली है और नामांकन से पहले उन्होंने मां चिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके पति सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव के लिए सुनीता चौधरी की कैसी तैयारी है जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी फिरोज ने। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आशू की सुनीता चौधरी यहाँ से प्रत्याशी है और आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रही हैं। उससे पहले आज यहाँ माँ चिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं और माता का आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। क्या कुछ मांगा माता से, आइए हम जानते हैं। हमने माँ से आज उपचुनाव का नामांकन करने जा रहे जिला और मैं माता से यही आशीर्वाद मांगे कि हमें विजय प्राप्त करके आए और सभी जनता की सेवा कर सके। यहाँ पे हमारे साथ गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी हैं। ये किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं? फिर हम विधानसभा उपचुनाव और इस उपचुनाव में आज आशु पार्टी के प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी नामांकन करेंगे और हम भी मां से यही कामना करते हैं कि रामगढ़ के विकास के लिए, रामगढ़ की जनता के विकास के लिए हम लोग विजय हम लोग होंगे और पुनः रामगढ़ का पहचान, रामगढ़ जो विकास का काम जो अवरुद्ध हुआ है, जो अभी थम सा गया, उसको फिर से हम लोग तेज गति से करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नामांकन से पूर्व सुनीता चौधरी ने माँ का आशीर्वाद लिया है और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का साफ कहना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ रामगढ़ में विकास का मुद्दा ही चलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रजरप्पा से फिरोज आलम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।